इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की सूची भारत निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड खरीदने की जानकारी आयोग को दे दी थी। खास बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच की आंच झेल रही कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है। इस कंपनी को सेटियागो मार्टिन चलाते हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्टिन के चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने म्यांमार के यांगोन में एक मजदूर के तौर पर काम की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 1988 में वो भारत लौट आए और दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक और केरल का रुख किया और फिर पूर्वोत्तर पहुँच चुके थे। पूर्वोत्तर में उन्होंने सरकारी लॉटरी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने काम को भारत से बाहर भूटान और नेपाल में भी बढ़ाया। लॉटरी के अलावा सेंटियागो ने कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वेबसाइट पर बताया गया है कि वो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड एलॉयज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी है। ये संगठन भारत में लॉटरी के कारोबार को बेहतर बनाने और विश्वसनीयता को बढ़ाने का काम करता है। उनकी अगुवाई में फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन के सदस्य बन चुकी है और ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो और स्पोर्ट्स बैटिंग में विस्तार कर रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस कंपनी ने साल 2019 और 2024 के बीच 1,368 करोड़ रुपए का दान दिया है। साल 2019 से ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय PMLA कानून के उल्लंघन के आरोपों को लेकर कंपनी की जांच कर रहा है। मई 2023 में कंपनी के कोयम्बटूर और चेन्नई ठिकानों पर रेड भी हुई थी। आपको बता दें साल 1951 में शुरू हुई इस कंपनी को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड के तौर पर जाना जाता था। खबरें ये हैं कि मार्टिन ने 13 साल की उम्र से ही लॉटरी का बिजनेस शुरू कर दिया था। खास बात है कि फ्यूचर गेमिंग भारत की पहली लॉटरी कंपनी थी जो अलग अलग सरकारों की तरफ से कराए जाने वाले ड्रॉ का लाइव प्रसारण करती थी। ये कंपनी एशिया पैसिफिक लॉटरी एसोसिएशन की भी सदस्य है। साल 2001 से फ्यूचर गेमिंग वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन का भी हिस्सा है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।